नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। और आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, दीपावली की तैयारी कर रहे होंगे मेरी तरह। देखो अभी घर में साफ सफाई चल रहा आज, क्योंकि कलर पेंट तो इस साल नहीं कर पाया, पिछले साल हुआ था। फिर भी साफ सफाई हो जाए, जो जाले वगैरह हैं छत में वो सब हो जाए। उधर अंशिका लगी है और मैं भी लगा ही था, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं कि क्या चल रहा है, किस तरह दीपावली हमारी चल रही है। तो कम से कम यार साफ सफाई ही तो कर लिया जाए, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोग भी व्यस्त होंगे साफ सफाई में, दिवाली की तैयारी में। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें दोस्तों। इतना कबाड़ा निकल रहा आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको दिखा दूं इधर घर में, अभी इधर घर में पूरा साफ सफाई किया। ये टीवी वगैरह सब देख रहे होंगे, पूरा ये साफ सफाई किया। भैया क्या किया जाए, छोटा सा घर है, इधर भगवान लोग रहते हैं। अभी उनकी भी फोटो वगैरह साफ सफाई करके इसके बाद में रखा जाएगा। देख रहे हो ना, आपको मैं पूरा व्यू दिखा दे रहा हूँ। ये खिड़की है, देख रहे होंगे क्रेक भी है, और ये एक तख्त है चौकी, इधर जल भी गया था एक बार। देखो ऐसे लगी है दुकान हमारे घर की। देखो किस तरह टांगा हुआ है सारा सामान, सारा सौदा। इधर सारा सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया गया है। और घर में आपको दिखाता हूं, और ये घर के अंदर का है। इधर घर में कुछ साफ सफाई का काम चल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लगे हैं पिताजी और वो अन्नू, क्योंकि इधर थोड़ा सा बनाना है यार, घर वर तो है नहीं, आप लोग देख ही पा रहे हैं। क्या किया जाए, बस ऐसे चल रहा। पिताजी का बनाया घर है वो, जो आपने देखा पुराना वाला। बाकी पहले का घर ऐसे था जो आप पीछे देख रहे हैं ना, पहले ऐसे था, पिताजी ने बनवाया था लमसम 30-35 साल पहले। साफ सफाई हो गया, लेकिन कहीं कहीं क्या है, घास फूस जाम गया है ना, तो वही सब जो है अभी साफ करना बाकी रह गया है। छत के ऊपर हूँ भैया, और जो दूसरा वाला छत है ऊंचा वाला, उसके ऊपर से ऐसा दृश्य दिखता है बाहर का। ये और लोगों का घर है गांव में, ऐसा दिखता है। आपको मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगा, छत के ऊपर से चारों तरफ का व्यू ऐसा आता है। ये लोग घास उखाड़ने में जुटे हुए हैं, और ये देखो ये बगल वाला छत है, आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर सोलर प्लेट रखा हुआ है फैन के लिए, पंखा चलाने के लिए। ये स्पेशल पंखा इससे चलता है, दो पंखे चलते हैं छोटे वाले, जो बैटरी वाला पंखा होता है। तो आप लोगों ने देखा ऐसा नज़ारा दिखता है छत के ऊपर से, खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। इधर भैया ये जो चौकी है नल की, इसकी साफ सफाई किया जा रहा है, क्योंकि काई जम जाती है। बराबर यहाँ पानी रहता चलता रहता है ना, इसलिए जम जाती है। और सफाई इसकी बराबर होती है 15-20 दिन पे। मैं रहता हूँ तो मैं करता हूँ, नहीं तो मैसेज कर देती हैं, और नहीं पिताजी भी कर देते हैं, तो ऐसे होता रहता है। मेहनत लगता है यार बहुत, और ना जाने इतना जम कहाँ से जाती है, बहुत ज़्यादा काई जम जाती है।
तो देख पा रहे होंगे दोस्त। इधर पिताजी और ये अन्नु है मेरा लड़का, दोनों दीवार को गिरा रहे हैं, क्योंकि अब जब नया निर्माण होगा तो इसको गिराना ही पड़ेगा। अभी इसी लाइन में बनेगा जो आप देख रहे हैं। हम तीन भाई हैं ना, तो तीनों का इस तरह लग गया है, इसमें तीन पार्ट कर दिया गया है, तो यही दोनों मिलके गिरा रहे हैं। और टाइम हो गया यार, चलते थोड़ा बाजार की तरफ। भाई चल रहे हैं हम दोनों, थोड़ा मार्केट घूम के आए, और कल भाई साहब ने आटा वगैरह रखा था पिसवाने के लिए बुआ जी का अपने, उसको भी लेके आएंगे, है ना शिवम? और थोड़ा टाइम पास भी कर लेंगे ना। भाई लोग मूर्ति लाने नहीं जा रहे हो का? हाँ तो चलते हैं यार, कुछ शाम हो गया है, लेकर आते हैं, एंजॉय करने एंजॉय करके आते हैं। तो दोस्तों बाजार से वापस आ गया हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।